Welcome back. Today we are going to discuss kingdom fungi. In the previous video we have already discussed about kingdom protista and kingdom monera. So this kingdom fungi is the third kingdom classification out of five kingdom classification. So let's come see the kingdom fungi. So whenever we are seeing the characteristic feature of any of the kingdom, so first thing that we are going to see is the cell structure. जब भी हम किसी भी किंगडम का उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले उसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन न्यूट्रिशन एंड देन द रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेल यूकेरियोटिक सेल का बना है या प्रोकेरियोटिक सेल का बना है. तो जो हमारा फंजाई है, दैट ऑल द फंजाइज आर मेड अप ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स. दे आर यूकेरियोट्स विथ सेल वॉल. उनके सेल वॉल होते हैं लाइक द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, बट इट इज डिफरेंट. प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जो हमारा फंजाई का सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर नोन एज काइटिन. सो ये डिफरेंस है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट इट इज नॉट एज सिमिलर एज द प्लांट सेल वॉल. Now, then we will see the body organization. Body organization में हम देखते हैं कि number of cell, whether it is a unicellular or it is a multicellular. तो बेटा हमारे जो fungi हैं दोनों तरह के होते हैं. कुछ fungi unicellular हैं और बहुत सारे fungi ऐसे हैं जो कि multicellular हैं. तो हमारे unicellular fungi का example हो जाएगा yeast, और हमारे multicellular fungi में आपका आ जाएगा penicillium, then your rhizopus, then your aspergillus. So most of the fungi are multicellular and filamentous type. Now the next thing we will see the nutrition, कि उनमें किस तरह का nutrition है. तो बेटा plants को छोड़ करके बाकी सारे जो organisms है they are basically heterotrophic, heterotrophs होते हैं. आपके जो fungi है उनमें cell wall तो present होता है but they do not have chlorophyll. उनमें chlorophyll present नहीं होता है, they lack chlorophyll. That is why all the fungi are heterotrophic in mode of nutrition. मतलब वो किसी दूसरी चीज़ों पर dependent है अपने food के लिए. तो basically most of the fungi are saprophyte, मतलब heterotrophic mode of nutrition है, लेकिन ज्यादातर जो fungi है वो saprophytes है, मतलब they feed on dead and decaying organic matter, मतलब सड़ी गली चीजों पे feed करते हैं और उससे अपना मतलब की food को obtain करते हैं. तो आपका example आ जाएगा rhizopus, मतलब bread mold. आप देखिए जब bread खराब होने लग जाता है या आपकी सब्जी खराब होने लग जाती है, fruits खराब होने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें white white या greyish color का एक cottony mass develop हो जाता है, that is your rhizopus. So and the second type of mode of nutrition seen in your fungi is parasitic. मतलब कुछ ऐसे fungi हैं जो parasite हैं और ये क्या करते हैं, अपना nutrition दूसरे living organism से derive करते हैं, उनकी body में as a host रहते हैं और साथ में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं parasite. तो parasitic fungi का example हो जाएगा microsporium. जो बेटा microsporium है ये human being में ring worm disease को cause करता है. इसके बाद बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया रेड रॉट इन शुगर केन. आपने कभी गन्ना खाया होगा, आप देखेंगे उसके बीच में रेड रेड लाइनिंग हो जाती है, उसको रेड रॉट बोलते हैं. उसके बाद रस्ट एंड स्मस्ट इन प्लांट्स. सो दीज फंजाई विच आर कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन और इन प्लांट, दीज आर पैरासिटिक फंजाई. इसके बाद बहुत कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और एक दूसरे को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं. तो इस तरह का रिलेशनशिप जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं सिम्बाइंस. तो इसका एग्जाम्पल है लाइकेंस. लाइकेंस क्या है, ये फंजाई और एल्गे, कुछ फंजाई और एल्गे आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में साथ में रहते हैं और उसको हम बोलते हैं लाइकेन. Now the last thing that we are going to see that the characteristic feature is the reproduction. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पांचों किंगडम में दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल. एसेक्सुअल मीन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से, और सेक्सुअल मतलब विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका फंजाई में ये तीन तरीके से होता है, बडिंग,
देन योर स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब अलग अलग फंजाई में अलग अलग मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. बट हियर वी आर गोइंग टू डील विद द केस स्टडी ऑफ ब्रेड मोल्ड. बेटा ब्रेड मोल्ड में स्पोर फॉर्मेशन से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. नाउ वी विल सी द यूजफुल एंड हार्मफुल फंजाई. जैसे कि हमने बैक्टीरिया में भी देखा था कि कुछ बैक्टीरिया यूजफुल थे और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल थे, तो वैसे ही फंजाई भी कुछ हैं जो कि यूजफुल हैं और बहुत ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजफुल फंजाई के बारे में. तो सबसे पहला जो फंजाई जो यूजफुल है, दैट इज देयर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब वो सड़ी गली चीज़ों को फीड करते हैं, इसलिए फंजाई को हम नेचर स्केवेंजर्स भी कहते हैं. नेचर स्केवेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नेचर में जो जितने भी डेड और डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करके फिनिश करने में हेल्प आउट करते हैं और नेचुरल क्लीनर की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं नेचर स्केवेंजर. दूसरा क्या है कि ये जब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर हो जाती है. तो इट इज़ हेल्पिंग नेचर इन टू वेज, पहला कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा कि नेचर की क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है. इसके बाद बहुत सारे ऐसे फंजाई जो कि ईडेबल है जिनको हम खाते हैं, है ना. तो जो टू कॉमन फंजाई दैट वी ईट आर मॉकेला एंड योर एगरिकस. देन फंजाई जो है आपके बेकरी में यूज होता है, ईस्ट हो गया, ठीक है बेटा. ईस्ट को हम लोग डग के साथ उस डग में मिला करके या फ्लोर में मिला करके उसका डग बनाया जाता है, एंड इट एक्ट्स अ लीवनिंग एजेंट, मतलब फुलाने में हेल्प करता है, ठीक है. फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जितने भी एल्कोहलिक ब्रीवेजेस होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन. इसके बाद कुछ ऐसे आपके फंजाई हैं विच आर वेरी यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइटमिन्स. जैसे कि आपका जो ईस्ट है, इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइटामिन बी. देन आपका देखिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई, दैट इज योर पेनिसिलियम. इट इज योर फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड सॉरी पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम योर पेनिसिलियम नोटाटम. तो आपका जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो भी आपके फंजाई से ऑब्टेन किया गया है. एक ऐसा एंटीबायोटिक क्या होता है, इट हेल्प्स टू स्टॉप द आउटग्रोथ ऑफ मेनी बैक्टीरिया. आपको हमें बैक्टीरियल डिजीजेस से बचाने में हेल्प करते हैं. उसके बाद जो आपके फंजाई हैं, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि साइट्रिक एसिड मतलब वाइटामिन सी के फॉर्मेशन में प्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं. जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एस्पर्जिलस. उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि चीज़ की फ्लेवरिंग में, जो चीज़ का एक परफेक्ट टेस्ट होता है जो कि सबको बहुत पसंद है, वो जो टेस्ट होता है, वो जो फ्लेवर होता है, दैट इज इम्पार्टेड इन द चीज़ विद द हेल्प ऑफ द फंजाई लाइक योर एस्पर्जिलस, योर म्यूकर एंड योर पेनिसिलियम. नाउ वी विल सी द फंजाई, हाउ द फंजाइज आर हार्मफुल फॉर अस. कुछ ऐसे फंजाई जो कि बहुत हमारे लिए हार्मफुल हैं. तो क्या करते हैं, बहुत ऐसे फंजाई हैं दोज कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, इन्फेक्शन ऑफ हेयर. अब देखिए हेयर में डैंड्रफ हो जाता है, दैट डैंड्रफ आर कॉज ड्यू टू द फंजाई. देन देर आर स्किन एलर्जीज. सो देर आर मेनी फंजाई दैट आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट एज वेल एज ह्यूमन बींग. तो जो स्किन आपकी जो मोल्ड्स, आपकी जो स्किन एलर्जी होती है, हेयर का डैंड्रफ है, ये सब आपकी फंजाई की वजह से होता है. इसके बाद जो आपकी जो बहुत सारे जो फंजाई हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो उनका स्पोर होते हैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हार्मफुल है. जैसे जो लोग अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब कि आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को पॉलन ग्रेन का इन्फेक्शन होता, एलर्जी होता है, वो लोग इससे बहुत सफ़र करते हैं. तो उनको क्या होता है, स्नीजिंग होने लगेगा, छिक पिछिक आएगी, कोल्ड हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी. तो कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्या करते हैं, एक्सटोरेट करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि आपका रिंगवर्म हो गया, रिंगवर्म इज कॉज ड्यू टू माइक्रोस्पोरियम. उसके बाद हमने देखा था कि आपका शुगर केन में रेड रॉट हो जाता है, फिर स्मस्ट एंड रस, ये सारी जो डिजीजेज है प्लांट की, दिस आर ऑल्सो कॉज ड्यू टू फंजाई. फिर आप देखिए एथलीट फूड्स है, दैट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू फंजाई. उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे फंजाई हैं, जैसे कि कुछ ईडेबल फंजाई हैं, वैसे कुछ फंजाई क्या है, पॉइजनस है. अगर उनको गलती से कंज्यूम कर लिया तो दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, एंड इफ इट इज सीवियर दैट कैन लेड टू द डेथ. तो दो पॉइजनस फंजाई हैं जिनका नाम है टोट स्टूल, जो कि मशरूम जो कॉमनली आपको बारिश के मौसम में दिख जाते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर एमिनीटा.
उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंजाई बेटा, जो पेपर हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर हो गया, क्लोथ हो गए, इनको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं. सो दीज वेर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ योर फंजाई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ब्रेड मोल्ड. अब हम केस स्टडी डिस्कस करें, अब हम ब्रेड मोल्ड में न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन. तो हमने न्यूट्रिशन बेटा पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई अंडरगो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सड़ी गली चीज़ों को पे वो फीड करते हैं. तो ये क्या होता है, उनका सरफेस, जिस सरफेस पे ग्रो करते हैं, जब ये जो आपके ब्रेड मोल्ड है ये सरफेस पे ग्रो करते हैं, और एक्सटर्नल सरफेस मतलब वो सरफेस जो कि आपका एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट में है वहाँ उस सरफेस पे ग्रो करते हैं, क्योंकि आपका जो फंजाई ये दे ग्रो बेस्ट व्हेन दे हैव वार्मथ एंड मॉइस्चर, मतलब जब उनको वार्मथ और मॉइस्चर दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं. तो आप ज़रा फंजाई, आपके जो ब्रेड मोल्ड है उसका डायग्राम देखिए. ये मान लीजिए दिस इज योर ब्रेड, यहाँ पर आपका ये आपका कॉटनी मास डेवलप हो गया, आपका ये ब्रेड मोल्ड है. तो ये जो कॉटनी मास हमें दिखाई देता है, ये जो कॉटनी मास है इसको हम बोलते हैं माइसीलियम, माइसीलियम बोलते हैं. और जो माइसीलियम है ये सिंगल ऐसे हाइफे, मतलब ऐसे सिंगल बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइफे, हाइफे का बना हुआ. तो ये माइक्रोस्कोपिक है, अभी इसमें हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, कॉटनी मास दिखाई दे रहा है. तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं, देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि बहुत सारे हाइफे हैं, ये आपका ब्रेड का सरफेस हो गया, कुछ हाइफे जो है इस पे रूट की तरह ग्रो कर जाते हैं क्योंकि दे हैव टू गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, और कुछ हाइफे जो वो इरेक्ट सीधा खड़े हो जाते हैं. तो ये जो हाइफे आपके सीधे, ये जो आपका ये पूरा कॉटनी मास है इसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और ये जो आपका रूट की तरह काम कर रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली रूट, ये भी आपका हाइफे है लेकिन ये रूट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे आपका एंजाइम भी सिक्रीट करेगा, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसको जो ये रूट की तरह काम कर रहा है इसको बोलते हैं राइजोइड. और ये जो इरेक्ट हाइफे जो सीधा खड़ा हो गया है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स. क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स. तो ये जो हमारा इरेक्ट हाइफे है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स. जो हमारा इरेक्ट हाइफे है इसके ऊपर सर्कुलर बॉडी ग्रो करती है, राउंड शेप बॉडी सर्कुलर बॉडी ग्रो करती है. ये जो सर्कुलर बॉडी है ये फ्रूट की तरह होती है, इनमें सीड की तरह स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है. तो ये जो सर्कुलर बॉडी है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. और स्पोरेंजियम के अंदर जो मेच्योर स्पोरेंजियम होता है, फुली डेवलप आपका स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो जब इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर जो आपके जो स्पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स या स्पोर्स. जब आपके जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर के जो स्पोरेंजियो स्पोर्स है या फिर आपके जो स्पोर्स है वो फुली मेच्योर हो जाते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं, तो आपका जो ये स्पोरेंजियम है ये ब्रेकआउट हो जाता है, बोस्ट हो जाता है, और इससे आपके जो स्पोर्स है वो आपके एयर में रिलीज हो जाते हैं. एंड वेयर एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशन, व्हाट वाज द फेवरेबल कंडीशन, वार्मथ एंड द मॉइस्चर. तो ये एयर के थ्रू डिस्पोर्स हो जाते हैं, और जहां भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है उनका वार्म एंड मॉइस्चर, देन दिस स्पोर्स आर एबल टू ग्रो इनटू अ न्यू ब्रेड मोल्ड, अ न्यू डिस्टिंक्टिव लाइफ, और अ न्यू राइजोपस जिसका भी कि ये स्पोर है. सो दिस स्पोर जस्ट एक्ट लाइक अ सीड, जैसे कि सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है सीड जर्मिनेट इनटू अ बेबी प्लांट, वैसे ही जैसे ही स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वार्मथ एंड मॉइस्चर इट विल ग्रो इनटू अ बेबी फंजाई दैट इज योर ब्रेड मोल्ड. नाउ अब हम देखेंगे कि इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है.
तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है बेटा वो सरफेस से होता है। सरफेस से मतलब ये जो हाइफे है, जो राइजोइड हाइफे है, ये क्या करेगा, आपके जो ब्रेड है जो ये डेड और डिके हो रहा है इसमें एंजाइम को रिलीज कर देगा। डायरेक्टली ये लोग क्या करेंगे, जो अपना नरिशमेंट है ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब आपके यहाँ पे ब्रेड जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पर ये ग्रो करेगा, और ये जो हाइफे है इस पर डायरेक्टली डाइजेस्टिव एंजाइम को या डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर देगा। और वो जो आपके डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, आपका जो ब्रेड है इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो जो आपका एंजाइम है वो आपके स्टार्च पे एक्ट करेगा। ये एंजाइम कहाँ से आया, इट केम फ्रॉम योर डाइजेस्टिव जूसेस। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहां से रिलीज हुए हैं, ये आपके हाइफे से रिलीज हुए हैं, ये वाले हाइफे जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, और जो सरफेस पे आपके हाइफे हैं उससे आपके सीक्रेट में डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम है, दिस एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस स्टार्च एंड दिस स्टार्च इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सिंपलर कंपाउंड दैट इज योर शुगर। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस शुगर और जो ग्लूकोज है दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस, ये बॉडी का सरफेस है राइजोइड और हाइफे, ये इसको अब क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब कर लिया, अब इट विल रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हाइफे के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाएंगे एंड इट विल बी यूज फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, ग्रोथ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, आपके रिप्रोडक्शन, आपके स्पोर फॉर्मेशन, अंदर बॉडी के अंदर के जो मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं उनमें ये आपका जो न्यूट्रिशन है ये यूज हो जाएगा, और जो एक्सेस है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो मेक श्योर दैट स्टार्च इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर दैट इज ग्लूकोज एंड दिस इज अनस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So in your bread mold, that your excess glucose is stored in the form of glycogen. तो ये जो पूरा digestion है ये क्या है, body के अंदर नहीं हुआ है, body के बाहर हुआ है, external digestion है, cell के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है extracellular digestion. तो आपका जो bread mold है इसमें कैसा digestion होता है, extracellular digestion होता है, या आप उसको बोले external digestion होता है। Now, let us discuss how the respiration take place. तो जैसे कि digestion external होता है, extracellular होता है, cell के बाहर होता है, लेकिन जो respiration होता है वो cell के अंदर होता है, मतलब cellular respiration होता है, cell के अंदर होता है, but in the presence of oxygen. So, respiration which takes place in the presence of oxygen, we call it aerobic respiration. तो आपका जो ये आपका bread mold है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसके अलावा जो ग्लूकोज इसने एब्जॉर्ब किया था और कार्बोहाइड्रेट फैट जो बॉडी में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड The energy is formed in the form of ATP, adenosine triphosphate. So this was all about your digestion, respiration, and your reproduction in the bread mold. So this was a case study of bread mold. Now in the upcoming video, we are going to discuss about the kingdom plantae and kingdom animalia. Thank you. If you find any doubt, don't hesitate. You can comment me, and I will. Try to solve your problem as soon as possible. Thank you very much.